राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्त पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में अब जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। वहीं कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया था, जिसके चलते 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज कर कार्रवाई की गई। साथ ही 7,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं प्रशासन के औचक निरीक्षण से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम द्वारा जो निगम क्षेत्राधिकार के जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है, जिसमें केएम रोड और ये कोर्ट गेट का जो क्षेत्र है और ये अपने कटला बाजार है, इधर हमने आज कार्रवाई की है। लोगों को कोरोना की जो एडवाइजरी है, जो कोरोना उपयुक्त व्यवहार है, उनको पालना करने की समझाइश की गई है। और जिन दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं पाएगी, जो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाएंगे, उनको खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए की दुकानों को हमने सीज किया है और उनको पाबंद किया है कि आप भविष्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें और किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतें। हाँ, सभी लोगों को हमने कल भी कार्रवाई की थी और सब आज जो दुकानें सीज, व्यापार मंडल के माध्यम से सभी लोगों की समझाइश करके पहले इनको सभी चेतावनी दी थी। 4-5 दिन पहले, होली से पहले से भी हमने इनको सभी लोगों को चेतावनी देके समझाइश के द्वारा समझाइश की गई थी, लेकिन इस बावजूद इसके लोग कोरोना की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं और प्रोटोकॉल का उल्लंघन पूर्णतः पालन नहीं कर रहे। सीज की गई आज हमने 4-5 दुकानें सील की, टोटल 7 हो गई। कितनी दुकानें सील की गई? सही बात, आज टोटल 7 दुकानें सील हुई है। सरकार की ओर से कोरोना को लेकर लोगों से लापरवाही ना बरतने की अपील की है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क का ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते अब प्रशासन सख्त हो गया है और औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। कोटगेट जोशीवाड़ा रोड स्थित विजय शॉपिंग मॉल में 4 दुकानें और सुंदर मार्केट की 3 दुकानों पर छापेमारी की गई, साथ ही 2 और दुकानों को सीज किया गया। बहरहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर प्रदेश में तेजी से फैल रही है, लेकिन लोग स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे महामारी के फैलने की स्पीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।